हेलो गाइस, मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गाइस, मेरा नाम प्रशून खरे, मैं सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैं आर्यावर्त बैंक उत्तर प्रदेश में एज ऑफिसर स्किल वन कार्यरत हूँ, और मैंने 2014 में बीटेक पास किया। उसके बाद से ही मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन चालू कर दी थी। उसके लिए मैंने 2015 में मैंने कोचिंग करी। उसके कुछ दिन बाद जब मैंने 2016 में IBPS के एग्ज़ाम दिए, तो उस साल मेरा कोई भी एग्ज़ाम का प्री नहीं निकला। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा एग्जाम प्रिपरेशन चालू करी। 2017 में मेरे दो प्री क्लियर हुए, IBPS RRB और IBPS क्लर्क। इनमें से IBPS RRB में मैं इंटरव्यू तक गया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और IBPS क्लर्क मेंस मेरा नहीं निकला। फिर उसके बाद जब मैंने 2018 में दोबारा प्रिपरेशन करी, तो मेरे लगभग सारे प्री निकले थे, IBPS RRB क्लर्क PO, IBPS PO क्लर्क, बट IBPS RRB में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया और मुझे आर्यावर्त बैंक अलॉट हो गया। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2015 में कोचिंग की, 2016 में प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो उस समय स्टार्टिंग लेवल में प्रिपरेशन होने के कारण मेरे 2016 में तो कोई भी प्री नहीं निकले, बट 2017 में से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, जिससे ऐसा लगा कि हाँ, अब पेपर निकलना चालू होंगे। प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन के लिए गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पीड। यदि आपकी स्पीड अच्छी है, आपने अपनी स्पीड बना ली है, तो आपका समझिए 80% एग्ज़ाम तो आपका क्लियर हो गया है। बचा 20% तो वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पहले बैंकों में अब प्री एग्ज़ाम होने लगा है, तो प्री के लिए तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और उनको करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। इसलिए स्पीड बनाना बहुत जरूरी है, और स्पीड बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी, डेली बेसिस पे रोज प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको मॉक्स लेने पड़ेंगे, छोटी छोटी क्विजेज सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो आपकी फिर स्पीड धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगी, या यूं कहें स्पीड इम्प्रूव होना चालू हो जाएगी। और बात करें स्ट्रेटेजी की, तो गाइस देखिए, स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अपनी होती है, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रांग एरिया होता है। किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, तो उस हिसाब से अपन अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं तो अपने लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हाँ, दूसरों की स्ट्रेटेजी को देख के या उनकी स्ट्रेटेजी का प्लान फॉलो करके हेल्प ली जा सकती है। तो गाइज, प्री के लेवल से यदि देखा जाए, तो प्री में IBPS RRB में तो सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। 45 मिनट का पेपर होता है प्री का, 80 क्वेश्चन होते हैं और उन्हें उसी में ही सॉल्व करना पड़ता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम नेशनलाइज बैंकों के एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें तीन सब्जेक्ट आ जाते हैं प्री में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। एक घंटे का पेपर होता है और तीन सेक्शन होते हैं और सेक्शनल टाइमिंग होती है तीनों के लिए। तो गाइज, रीजनिंग के लिए तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पजल्स का। ऑलमोस्ट 50% पजल आती है रीजनिंग के सेक्शन में। तो पजल को सॉल्व करने के लिए आपको डेली बेसिस में उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, जिनको आप परचेस कर लीजिए और उनसे रोज पजल की प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी होगी गाइस। डेली बेसिस में आप कैलकुलेशन कीजिए, एक्यूरेसी बना के रखिए। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप किसी भी साइट का, वेबसाइट का मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, उसे डेली बेसिस पे लगाइए, और अच्छे से लगाने के बाद अच्छे से एक बार उसका रिव्यू कीजिए कि हमसे क्या क्या गलती हुई और क्या क्या गलती हम सुधार सकते हैं, जो नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में हमसे नहीं होगी। ऐसा करके अच्छे से रिव्यू कीजिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के लिए जैसे नेशनलाइज बैंकों की जो तैयारी कर रहा है, तो उसे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए आप डेली बेसिस में वोकैब पढ़िए, और न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो आपको यूट्यूब चैनल में या फिर गूगल में बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे आज की डेट में, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें पढ़िए, रोज वोकैब की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ऐसे करके आप इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का याद रखिएगा कि आपकी
एक्यूरेसी और आपकी स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका प्री का पेपर निकालने के लिए। जब आपका प्री निकलेगा तब आप मेंस लेवल में जाएंगे। मेंस लेवल में जनरली 5 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। 5 सेक्शन होते हैं, 2 से 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये अलग अलग होता है, आरआरबी में 2 घंटे का होता है, नेशनलाइज बैंकों में 2.5 घंटे का होता है। ऐसे करके पेपर होते हैं, सेक्शन बटे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए आप मेंस लेवल के मॉक खरीद लीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, उनका रिव्यू कीजिए। ऐसे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसलिए गाइज प्रैक्टिस कीजिए। और अभी कुछ ही दिनों बाद आपके आरआरबी के पेपर हैं, तो उसके भी एडमिट कार्ड अभी एक दो दिन में आ ही जाएंगे। तो जो आरआरबी के फॉर्म भरे हैं वो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिव्यू करते रहिए। उसके बाद आईबीपीएस पीओ के भी पेपर होंगे, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी भी अभी रिसेंटली आ गई है, तो उसके भी फॉर्म भेजिए, भरिए, उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। और गाइस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी स्पीड बनेगी, आपके पेपर निकलेंगे और आप जॉब पा सकेंगे। ओके गाइस, तो फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा रहिए, अच्छे से पढ़िए।